अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान और जैसा कि आप जानते हैं कि डेरा की मशहूर सौगात है सोहन हलवा। और आज हम मौजूद हैं बलोच होटल पे, क्योंकि बलोच होटल का सोहन हलवा जो है पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में बड़े शौक़ से खाया और मंगवाया जाता है। बलोच होटल के सोहन हलवे का जो सफ़र है वो एक कढ़ाई से लेकर आज कई दर्जनों कढ़ाइयों तक का है। बलोच होटल का सोहन हलवा तैयार करने वाले हाजी खान से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कि कैसे उन्होंने 40 साल का सफ़र तय किया और कैसे उन्होंने पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। सब तो पहले तो असत वाले शुक्रगुजार हैं भाई, तुसा अपने कीमती वक्त जो साको टाइम दिता वे। तुसा आज माशाल्लाह त्रै ब्रांचा दे ऑनर ही वे, त्रै ब्रांचा को चलेंदे पे वे। सब तो पहले तो ये दसो साको भाई, ये काम तुसा यानी कि हलवा बनावना, सोहन हलवा बनावना, ये कदा तो स्टार्ट किया? ये तकरीबन 40 साल थी गया को कारोबार शुरू करेंगे। 40 साल उसने काम शुरू किया जिंदे हौले तरक्की करेंदे मशहूरी थी यानी ई म्यार तक आ गए कि जिम्मे तुम फरमेंदे पे ना पूरी दुनिया के मतलब है कि सारा हलवा पहुँचता भी है दुबई, सऊदी अरब। तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह पसंद आता है। तुसा जिस वेले हलवे का काम स्टार्ट किया तो क्या तुसा ये सोचेंदे हावे भाई ये दुनिया के अस जी शे बनेंदे पे ये पूरी दुनिया के मशहूर थी वैसी तो लोग आके सारी तारीफ करे? ऐसा एकदम सोचा इन वास्ते जो भाई ये एडा वड्डा हिसाब था जो अज दुनिया की चलता भी है, ये तो कहीं सोच को बहर है ना। तो अल्लाह पाक की मेहरबानी कारोबार शुरू किया भी है, कारोबार सारी दुनिया करेंगी। ऐसा ही रोज़ी का सिलसिला हिसाब किताब शुरू करूँ तो उस चलद चलद अल्लाह पाक तरक्की देंदा है सारा कारोबार चलता है। इन टाइम भी आधे पैसे त्रै ब्रांच हैं, एक द्राबण चौक उतना मेरी अपनी तस्वीर लगी खड़ी है, ये वही ब्रांच सारी ये है। इधर तो बाद थोड़ा उतने लिंक रोड तेरी भारी पसूँ एक ब्रांच सारी उतना है। माशाल्लाह, ये तुरी मेहनत है, दयानतदारी है, कामना तुरी लगन है, तां वास्ते अल्लाह की ज़ात को इतनी इज्जत दी है। सारे नाजरीन वास्ते भी ये पैगाम है भाई, कें काम नाल भी तुसा लगन रखसो, कें काम नाल भी तुसा कें काम को मेहनत नाल तुसा करेसो तो अल्लाह की ज़ात को इज्जत देसी, अल्लाह की ज़ात को मकाम तक गिन वैसी। हुन ऐसा को दसो भाई, ये जरा सारा इतना काम थींदा है हुन को कौन संभलेंदा पिया है? अपने बच्चे कारी साहब होनी ये निज़ाम को संभाली पैन। माशाल्लाह, असां इनदे नाल शुक्रगुजार हैं हाजी साहब दे, उन्हां सा को वक्त दिता है तो उन्हां सा को कीमती कीमती गाली दसियन। अल्लाह पाक इन्हां को सेहत तो सलामती देवे। जैसे कि हमें मालूम हुआ है कि आप जो है बलोच होटल की जो मरकज़ी ब्रांच है उसके जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप मैनेज करते हैं। तो इस हलवे के हवाले से और इस होटल के हवाले से आपसे हमारे कुछ सवाल हैं कि तकरीबन कितनी लेबर होगी, कितने लोग होंगे जो आपकी वजह से जिनके घर का चूल्हा चल रहा है, जिनके जो है ना आप वसीला रिस्क बने हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी मेन ब्रांच है कुरेशी मोड़ बलोच होटल, तो ये 40 साल से ये आ रहा है मतलब, और ये एक मेहनत के बाद मतलब कि माशाल्लाह इतना जो है ना अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी है हमें। और यहाँ पे काफ़ी माशाल्लाह लोग हमारे से मतलब जो है ना काम कर रहे हैं और उनका चूल्हा चल रहा है। इसके बाद हमारा सवाल यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो आप कितना हलवा जो है वो सेल करते हैं? क्योंकि आपने एक छोटी सी, आपके वाले साहब ने माशाल्लाह से एक छोटी सी कढ़ाई पहले बनाई थी और आज माशाल्लाह से आपका इतना सेटअप है, इतने गाहक आ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे सेल भी हो रहा है और बाहर से भी जो है वो इतना इमदाद आ रही है दुबई सऊदी से। तो जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आप कितना जो है हलवा सेल कर जाते हैं, कितनी कढ़ाइयाँ बना लेते हैं? हम रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन 50 से 60 70 के करीब जो है ना कढ़ाइयाँ बनाते हैं इस मेन ब्रांच पर। और जो हमारी अलग से ब्रांच है वहाँ पर अलग बनती हैं, और दूसरी जो ब्रांच है तीसरे नंबर पे वो वहाँ पर अलग से बनती हैं। तो हमारा तकरीबन 12 से 15 मन डेली का जो है ना हलवा सेल हो जाता है। हमारा एक सवाल ये है कि बाहर के इलाकों के लोग जो आपसे हलवा मंगवाना चाहते हैं या कोई और मतलब किसी शहर में ब्रांच खोलना चाहते हैं तो क्या उनके लिए ये है कि वो आपके साथ रब्ता करें और आप उन्हें हलवा पहुंचाएं और वो अपने इलाकों में सेल करें? जी जी बिल्कुल, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद है। हमारे पास हमारी जो पैकिंग है उन पर हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो जिनको भी ज़रूरत होता है तो फिर वो हमें कॉल कर देते हैं, एक कॉल पर फिर हम उन्हें फ़ौरन जो है ना भिजवा देते हैं। इसके बाद हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन ये है कि आपके बलोच नाम पर बहुत सारे जो है लोगों ने ब्रांचें वगैरह बना ली होंगी यकीनन, क्योंकि ये पाकिस्तान के कल्चर में भी है। तो क्या अरबाब अख्तियार से हुकूमत वक्त से ऐसा कोई मुतालबा है कि वो जो है इसके बारे में कानून साजी करें ताकि आपके नाम को, एक तो आपके नाम को इस्तेमाल ना किया जाए, दूसरा यह है कि जो लोग धोखा कहा जाते हैं, मुसाफिर लोग जो सफ़र कर रहे होते हैं, या इस हलवे को जैसा कि हमने देखा है और हमने ख़ुद ये किया है कि तोहफे के तौर पर किसी दूसरे के घर हम ये भिजवाते हैं माशाल्लाह से, तो ये जो है ना गलत चीज़ किसी के घर चली जाती है तो फिर ये एक प्रॉब्लम होता है, मसला होता है। तो इस हवाले से कोई है आपका हुकूमत वक्त से कोई मुतालबा? बिल्कुल, हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए, ऐसी कोई मतलब कानून साजी की जाए जिसके हिसाब से कि दूसरा कोई हमारा नाम यूज़ ना कर सके। ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जिन लोगों ने मतलब बना के रखी हुई हैं हमारे नाम पर। वो क्या करते हैं कि जनाब छोटा सा सात पाक बलोच, छोटा सा न्यू बलोच, छोटा सा लफ्ज़ लिख देते हैं जिस पे हम उन पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि वो हमारा बिल्कुल नाम यूज़ ना करें और हमारी पैकिंग, हमारा जो डब्बा है इसका वो मोनोग्राम ना बना सकें। अच्छा कारी इस्माइल साहब, हमें ये भी बताएं कि इस हलवे में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप डालते हैं, या कितने किलो दूध में कितने किलो हलवा आप तैयार करते हैं? हम जनाब एक कढ़ाई मतलब हलवा तैयार करने के लिए हमें 18 से 20 केजी दूध की ज़रूरत होती है, जिससे मतलब हमें 11 और 12 मतलब केजी हलवा मौसूल होता है, तैयार होता है। तो इसमें खालिस दूध इस्तेमाल करते हैं, इसमें बादाम, अंडे और इलायची और ये चीज़ें मतलब हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका अपना एक फार्मूला भी होता है, जैसे सोनी हो गई और मतलब मैदा और ये चीज़ें होती हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें मतलब एक मियार के मुताबिक होती हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो है ना इस ये जो मरकज़ी आपकी ब्रांच है, इसकी सर्विस कितने घंटे होती है? यहाँ पे 24 घंटे सर्विस होती है माशाल्लाह से। जी नाज़रीन, तो यहाँ पे 24 घंटे जब भी आप सफ़र कर रहे हो, जिस टाइम भी आप यहाँ से गुजर रहे हो, तो आपको हलवा भी मिल सकता है, आपको यहाँ पे खाना भी मिल सकता है, बेहतरीन सर्विस भी मिल सकती है। तो अभी हम कारी साहब से जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें अपने किचन में ले जाएं और वो तमाम मराहल दिखाएं कि जिस तरह वो लजीज़ जो है वो हलवा तैयार करते हैं और कितनी मेहनत दरकार होती है इस लजीज़ हलवे को बनाने में। जी बिल्कुल, आएँ किचन देखेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा किचन है, यहाँ बलोच सोन हलवा तैयार हो रहा है। सबसे पहले जो इसका मेन आइटम है वो है दूध, खालिस दूध। खालिस दूध डालेंगे इसमें हम। फिर उसके बाद हम जो है ना इसमें मैदा डालेंगे। और उसके बाद जो है ना इसमें हम सोनी डालेंगे। इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, फिर उसको आग पर रखेंगे मतलब दूध को कुछ देर के लिए। अगला जो मरला है फिर इसमें हम टाटरी डालेंगे। जब दाना बन जाएगा तो फिर उसको दोबारा हम आग पर रख देंगे। फिर उसको अपनी ख़ास मिकदार पर उसको हम उबालेंगे काफ़ी देर, तकरीबन कोई 20-25 मिनट, आधा घंटा। तो फिर उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो उसके बाद हम जो है ना इसको अपनी मिकदार पर फिर से मतलब पकाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना हम इसमें लास्ट पे घी डालेंगे। घी डालकर उसको अपने मतलब एक मिकदार पर वो पकाएंगे। यहाँ तक कि मतलब घी सही जज़ब हो जाए और सही पक जाए। उसके बाद हम कलर देखेंगे। जब अपने मिकदार पर वो कलर भी आ जाएगा और अपने मिकदार पर हलवा तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको नीचे उतार देंगे। अब हम इसे नीचे उतार कर इसमें इलायची और बादाम डालेंगे। फिर उसको थोड़ा सा मिक्स करके अपने सांचे जो होते हैं, अपने ट्रे होते हैं, फिर उनमें डाल देंगे। अब हमारा बलोच सोहन हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करने के लिए पेश कर सकते हैं।